पॉडकास्ट में यूट्यूब पे जुड़ा हूँ। लेट हुआ हूँ आज, थोड़ा सा काम था बच्चों के स्कूल में। जैसे टाइटल दिया है आज का, उसमें बात करेंगे। साथ में हमारा जो है ट्रस्ट, उसका फाइनल सर्टिफिकेट जो है वो आ चुका है आज। उसका अकाउंट नंबर भी जो है, बैंक अकाउंट नंबर, वो भी आ जाएगा। तब तक आप हमें हमारे सेविंग अकाउंट पे सहयोग दे सकते हैं 3039391711। IFSC कोड है SBIN00107911। गूगल पे नंबर है 9096289202। एक मिनट, हेडफोन ऑन कर लेता हूँ। फोन पे गूगल पे है 9096289202। फिर से बताओ अकाउंट नंबर 3039391711। IFSC कोड है SBIN00107911। गूगल पे, फोन पे नंबर है 9096289202। बात करता हूँ आज के टॉपिक पे, फिर मैं आपके पास आता हूँ। CA NRC लागू हो जाएगा फिर से। ये मैंने आपको 2020 में जुलाई अगस्त में बताया था। ये अभी इन्होंने महामारी के नाम पे आपको ज़बरदस्ती सुप्रीम कोर्ट में केस डाल के लोगों को NRC और CA कैंप से, वो जो था धरना आंदोलन, वहाँ से उठा लिया, और उनको जो है शाहीन बाग से भी उठा लिया। बोला गया कि महामारी आई है, महामारी आई है। मैंने कहा था ये लोग तो ये करेंगे। ये मैंने नवंबर क्या था, 23 जनवरी 2020 को है ना, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेने का फर्स्ट अधिवेशन हुआ था मुंबई में। राज साहब ने बुलाया था, तो हम जा रहे थे बस में, और मेरे साथ बैठन के एक मेरे पत्रकार दोस्त थे, तो खलीफा भाई उनका नाम है। तो उनके साथ में डिस्कस करते हुए कैसे बात कर लिया, खलीफा भाई देखिए हम अभी अभी बैठे हैं यहाँ पे, कम से कम 50-55 हज़ार का वहाँ पे मॉब था उस अधिवेशन में। और मैंने कहा खलीफा भाई अगर सोचिए कि कोई तो भी वहाँ से भागते हुए आ गया और उसके पीछे दो चार मेडिकल वाले भागते आए और बोले अरे कोरोना पॉजिटिव है, कोरोना पॉजिटिव है, और ये सारे के सारे 50-55 हज़ार लोगों को डिटेन करने के लिए क्या लगेगा, ये रीज़न बहुत हो गया ना। बोले हाँ डॉक्टर साहब, और सोचो अगर यही पेशेंट, यही नाम अगर ये सरकार बोलेगी कि ये शाहीन बाग में चला गया है तो क्या होगा, शाहीन बाग को बंद कर देंगे। और ठीक हुआ वैसे ही, जो मैंने 19 जनवरी 2020 को जब हम औरंगाबाद से निकले थे तब हमारी बात हुई थी, और सेम वही हुआ। मार्च में सरकार ने वो शाहीन बाग को महामारी 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 के नाम पे उनको डिटेन करते हुए वो पूरा शाहीन बाग खाली करवाया। मैंने तब भी कहा था कि ये आज खाली करवाएंगे, मगर याद रखिए जैसे इनका 50% टारगेट वैक्सीनेशन का, टीकाकरण का हो जाएगा, ये फिर से आपको CA फिर से लाएंगे, NRC फिर से लाएंगे। तब लोगों ने कहा था कुछ भी बोलता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। कुछ लोग आ गए, अभी भी कुछ लोग हैं। मैंने पहले ही कहा भाई साहब यहाँ पे सारे के सारे हमाम में नंगे हैं, यहाँ पे कोई दूध का दुला नहीं है, सब पार्टियाँ करते हैं, सब पार्टी करते हैं, मतलब सब आता है, ड्रिंक आता है, नॉनवेज आता है, सब कुछ आता है। खुद तो पार्टियाँ करते, लोगों को बोलते हो ऐसे कई सारे। कल ही एक न्यूज़ आई थी मेरे ख्याल से राजस्थान की, बाबा है, अरे तुमने तो कैलासा जिसने देश नेशन बनाया उसके ऊपर रेप एक्यूज है, उसके ऊपर उसको भगवान बना दिया। यार हम तो हमारी ज़िंदगी के साथ चलते हैं, तो हम ही हमारे साथ क्या करते हैं उसमें आपको बहुत बड़ा इंटरेस्ट है। और तुम्हारी जो लगने वाली है CA से NRC से तुम्हारी लगने वाली, उस पर तुम्हें कोई लेना देना नहीं है। 40 पैसे वालों, BJP वालों, IT सेल वालों, तुम्हारी भी लगने वाली है उसमें, तुम्हें भी डिटेन किया जाएगा। ये जो UL City वाले बोल रहे ना हमारा कुछ नहीं होगा, भाई साहब फेमा एक्ट जाके पढ़ लो क्या है, जाके डिटेंशन सेंटर्स के नियम और रेगुलेशन पढ़ लो, UL City हो या BL City हो, इतना बड़ा घुसा देंगे बम्बू, अच्छे से पढ़ लो। और ये एटीट्यूड है हमारा, मैं से हम बने हैं, इसीलिए मैंने आपको आके सारी इन्फॉर्मेशन दी है। अगर मैं से हम नहीं बनता था तो मैं भी बाकी सेल्फिश डॉक्टर के जैसे घरों में चुपचाप बैठे रहता था और किसी को कुछ नहीं बोलता था, मैं किसी को कुछ नहीं बोलता, चुपचाप घर में बैठा था, क्योंकि ये सारी इन्फॉर्मेशन मुझे आज से नहीं, मुझे 18 साल 19 साल से है।
जो कहते हैं डॉक्टर चक्कर में से हम नहीं बनाया, अगर में से हम नहीं बनता था तो मैं आपके पास आता ही नहीं था इन्फॉर्मेशन देने, पनीर टीके के साइड इफेक्ट बताने, पनीर टीके के इंग्रेडिएंट बताने, जियोमो के साइड इफेक्ट बताने, जियोमो कैसे लाना जा रहा है, 3+2G कैसे आप पे इम्पैक्ट करेगा, कैसे रेडिएशन निमोनिया करेगा, ये बताने आता ही नहीं था। क्या मिला है? मुझे कुछ पैसे मिले हैं, 40 पैसे वाले, जैसे आई टी सेल वाले काम करते हैं, फ्री अंधभक्त यहाँ पे बैठे हुए हैं, हमें कुछ नहीं मिला, हम तो पता नहीं आए थे। तो मान बात है, डिटेंशन सेंटर्स अभी भी बने हुए, मैंने तभी भी समझाया था, 2020 में भी मैंने समझाया था, डिटेंशन सेंटर जहाँ है वही है, महाराष्ट्र छोड़ा तो सारे भारत में डिटेंशन सेंटर बने हुए थे। फडणवीस जो है अभी फिर से डिटेंशन सेंटर बनाएगा, महाराष्ट्र के सारे हिंदू मुस्लिम भाइयों को, ओबीसी माइनॉरिटी, एससी एसटी, ओबीसी धनगर सबको मेरी रिक्वेस्ट है, ये जो फडणवीस सरकार आई है, ये फडणवीस फिर से आपके यहाँ पे डिटेंशन सेंटर बनाएगा, क्योंकि इसके जाने से पहले 2018 के मई अप्रैल में कहा था कि ये जो है वो डिटेंशन सेंटर्स बनाना पड़ेगा, बनाना चाहिए। इससे फिर से जब सरकार बनी थी 2019 में, 18 में, फिर से उसने 2020 में भी उसका जिक्र किया था कि महाराष्ट्र में डिटेंशन सेंटर बनने चाहिए। ये चीज़ आप समझो, डिटेंशन सेंटर हर बड़े बड़े शहरों में, हर स्टेट्स में बने हुए हैं। हालत देखनी है, म्यांमार की जाके देखिए, पाकिस्तान की देखिए, चाइना की देखिए, उनिंगर्स मुस्लिम जो है चाइना में, उनकी हालत देखिए, और रोहिंग्या की देखिए। कल आप, आज आप रोहिंग्या के लिए खुशी मना रहे हो, कल सोचो यही जहाँ के जो दलित, यहाँ के माइनर्स, यहाँ के ओबीसी, यहाँ के एससी, यहाँ के एसटी, इन लोगों को जब अगर यहाँ से भागने की नौबत आ जाएगी, क्या करोगे? घरों में घुस घुस के तुम्हारे हाथों पे RFID लगाया जाएगा। अगर RFID नहीं रहेगा, अगर आपके पास टीके का, अगर आपने टीका नहीं लिया है, डिटेंशन सेंटर किसके लिए है? डिटेंशन सेंटर 3 लोगों के लिए, एक NRC, सेकंड CA, और तीसरा जिन्होंने टीका नहीं लगवाया है, जो सरकार के आदेशों को नहीं मान रहा है, उन लोगों को उठा के डिटेंशन सेंटर में डाल के री एजुकेशन सिस्टम में के तहत उनको फिर से री एजुकेट करके सोसाइटी में लाया जाए, उनको सोशल क्रेडिट स्कोर दिया जाए। ये जो स्मार्ट सिटीज बनने वाले हैं 100, ये स्मार्ट सिटीज के बाहर जो है दीवार लगाई जाएगी, उस पर तार कंपाउंडिंग फेंसिंग किया जाएगा। कैसे होता है वो, जाके आज जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जो कैपिटल हिल है उस पर देखिए, 5 मील का फेंसिंग किया गया है। और देखना है भारत में, देखना है जाके भारत में राष्ट्रपति, अपने जो लोकसभा का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, उस सांसद का, संसद भवन का, जाके वहां पे देखिए कि क्या, किस तरह से फेंसिंग और बैरेटिंग की गई है। ये कोई मजाक नहीं चल रहा है, कोई पिक्चर की स्टोरी नहीं बोल रहा हूं मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ। जो चीजें मैंने 2020 में बोली थी वो आज हो रही है, जो मैंने अप्रैल में बोली थी तांडव होगा वो आज हो रहा है। जैसे मैंने कहा था भाई, लेके जाएंगे हम, क्योंकि हम सिर्फ, हमारे 5 पांडव जो है, पांडव कितने हैं, 33 करोड़, हम 33 करोड़ लोगों के लिए अपने भाई दिल क्या जान भी निकाल के रख देंगे, ये ले ले। मगर जो 100 करोड़ है उनके लिए तो भाई हमारे अंदर एटीट्यूड है, हमारे अंदर एटीट्यूड है, हम बहुत एटीट्यूड वाले हैं, क्योंकि 750 करोड़ में से सिर्फ हम जो बचने वाले हैं वो 65 to 68 करोड़ से। तो ये 700 करोड़ जिनको लगेगा ये बहुत रूढ़ है, क्योंकि मरेंगे ये, क्योंकि ये मरने वाले हैं, तो इनको हम ये नहीं कहेंगे नहीं रे भाई आ जा हमसे, क्योंकि तुम नहीं हो। और उसके बाद में तो पार्टियां वार्टियां बहुत चलेगी, बहुत आराम से चलेगी, फिर तो वीनस पे भी चलेगी, मार्स पे भी चलेगी, वो तो फिर यूएफओ में भी चलेगी, क्या उखाड़ने उखाड़ लो, फिर वहां पे पार्टियां भी चलेगी, वहां पे नॉनवेज भी चलेगा, वहां पे सब कुछ चलेगा। तो उसके पहले ये जो NRC CA है, इसके लिए पूरे भारत भर में फिर से खड़े होके आंदोलन की जरूरत है, डिस्ट्रिक्ट में खड़े होके। और इस डिस्ट्रिक्ट में आप जिस तरह से आप लोगों को उस, वो जो NRC CA का प्रोटेस्ट है, उसमें जियोमो विरोध करने वाले भी ज्वाइन कर लीजिए, उसमें किसान आंदोलन वाले भी ज्वाइन कर लीजिए, उसमें आपके 3+2G वाले भी उस आंदोलन में ज्वाइन कर लीजिए, उसमें ओबीसी रिजर्वेशन वाले भी ज्वाइन ज्वाइन कर लीजिए, उसमें अग्निवीर का विरोध करने वाले भी ज्वाइन कर लीजिए, उसमें
आपके जो दलित और जो आदिवासी है वो लोग भी उसमें ज्वाइन कर लीजिए, तब जाके वो प्रोटेस्ट बहुत बड़ा और एक संगठित बनेगा। अगर आप अकेले अकेले करोगे डिवाइड एंड रूल्स के तहत, या आपको ब्रेक करेंगे, डिवाइड करेंगे नाम जाति कास्ट के आधार पे, आपको डिवाइड करके आपको तोड़ेंगे और आपका खच्चीकरण करेंगे।